एक दिन जब मैं घर पर डिनर कर रही थी, मैंने अपने घर के दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनी। जब मैं बाहर आई तो मैंने एक 28 साल की महिला को देखा जो एक छोटी सी गुड़िया पकड़े हुए थी। उस गुड़िया के छोटे छोटे बाल थे, उसका चेहरा कुरूप और विकृत था और उसकी त्वचा एक जिंदा इंसान की तरह थी। उस महिला ने मुझे देखा और चिल्लाई, Give me something to eat. Anything. मैं शाकाहारी हूं तो मैं तुम्हें केवल ब्रेड दे सकती हूं, क्या तुम ब्रेड खाना चाहोगी? मैंने कहा। उसने हां में सिर हिलाया और मैं उसके लिए ब्रेड लेकर आई। फिर उसने ब्रेड छीन ली और उसे गुड़िया के मुंह में डाल दिया, जो कि असामान्य रूप से बड़ा दिखाई दे रहा था। मैंने उसे हैरानी से देखा और फिर उसने कहा, She eats everything. She'll probably eat your face off too. फिर उसने अपने गुड़िया के मुंह के पास अपना कान रखा और कुछ समय बाद अचानक बोली, She wants meat. She says the bread is not delicious. मैंने डर के मारे अपना दरवाजा बंद कर दिया और फिर वह बाहर से चिल्लाई, Babies need to eat protein to grow taller. कुछ दिनों बाद मैंने फिर से दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनी। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वह मेरे सामने अपनी गुड़िया को पकड़े हुए खड़ी थी। इस बार गुड़िया अलग दिख रही थी, उसका आकार बढ़ गया था और उसके बाल भी बढ़ गए थे। उसका चेहरा भी पहले से ज्यादा मैच्योर लग रहा था, लेकिन वह अब भी मेरे लिए एक रहस्यमय चेहरा था। मैंने दरवाजा खोला और उसे एक सैंडविच दिया। उसने सैंडविच अपनी गुड़िया को खिलाया और मैंने देखा कि गुड़िया के दांत, जो पहले नहीं थे, बढ़ गए हैं, जिससे लगता था कि गुड़िया सैंडविच को चबा रही है। मैंने सोचा, क्या यह सच में एक गुड़िया ही है या कुछ और है, या यह सिर्फ मेरा भ्रम है? मुझे एक अजीब और अनदेखा डर महसूस होने लगा और फिर मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन वह औरत फिर भी लगातार मेरे दरवाजे को खटखटाती रही, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। उस दिन के बाद उसने बार बार मेरे घर आना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने दरवाजा खोलना बंद कर दिया क्योंकि उस गुड़िया को देखते ही मेरे डर से रोंगटे खड़े हो जाते थे। कुछ दिनों बाद मुझे उसे नजरअंदाज करने की आदत हो गई। फिर एक रात मैंने अपने घर के बाहर एक बच्चे की गुस्से भरी आवाज सुनी। मैं उठी और सबसे पहले मैंने घड़ी की ओर देखा। उस समय 3 बजे थे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने सावधानी से खिड़की से बाहर झांका और मैंने देखा कि वो औरत एक गुड़िया के साथ खड़ी थी जो पहले वाली गुड़िया से बड़ी थी। इस बार गुड़िया जमीन पर खड़ी थी। वह औरत बहुत गुस्से में लग रही थी। उस औरत ने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाई, My child wants to eat soup with meat right now. फिर उसने मेरे घर की खिड़की को खोलने की कोशिश की। मैं उस पर चिल्लाई और कहा, मैं शाकाहारी हूं, और फिर वह गायब हो गई। अगले दिन जब मैं अपने पड़ोस से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के घर पर पुलिस फोर्स मौजूद है। मैंने एक आदमी से पूछा कि वहां क्या हो रहा है और उसने मुझे बताया कि वो औरत जो हर दिन गुड़िया के संग भीख मांगती थी, उसने उस घर में रहने वाले आदमी को मार दिया। हालांकि हत्या का तरीका थोड़ा अजीब था। आदमी के पेट को गुड़िया के नाखूनों से फाड़ दिया गया था। पुलिस ने बताया कि गुड़िया के नाखून चाकू की तरह तेज थे। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने आदमी की लाश से मांस का सूप बनाया था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि उसके बच्चे को मांस का सूप पसंद है। उसने उस गुड़िया की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब पुलिस ने उस गुड़िया की पेट को काटा तो वहां मांस का सूप मिला। हालांकि गुड़िया की पेट में उंगलियों की तरह दिखने वाली चीजें भी थीं और वे इंसान की आंत की तरह दिखती थीं। पुलिस ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आया कि गुड़िया कहां बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी गुड़िया को कभी नहीं देखा था और इसको प्लास्टिक की जगह किसी अननोन मटेरियल से बनाया है। इसके बाद मैंने दूर से उस गुड़िया की तरफ देखा। वह गुड़िया कल रात से और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। उसके बाल पहले से ज्यादा लंबे और घने थे। उसके दांत और नाखून ब्लेड की तरह पहने थे और उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी। मैं जल्दी से अपने घर लौट गई और कई दिनों तक मैंने उस गुड़िया के मांस खाने वाली डरावनी घटना को सपने में देखा। बाद में मैंने उस औरत की कहानी सुनी। उस वक्त वो बेघर थी और किसी ने उसके पास यह गुड़िया छोड़ दी थी,
और वह उसे अपना बच्चा समझने लगी। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि गुड़िया किसने बनाई और किसने उसे दिया और वह कैसे बड़ी हो गई।